पाकिस्तान का ईरान की जारियत का भरपूर जवाब, दहशतगर्दों पर कारीवार, ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में कालादम बीएलए और बीएलएफ के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज के मुताबिक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम यकीनी बनाएंगे। ईरान की जारियत और पाकिस्तान का भरपूर जवाब, सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब, सियासी और अस्करी क्यादत की बैठक में अहम फैसले होंगे। पांच जजेस ना हटाए तो आज कोई बेरोजगार ना होता, बिजली गैस और रोटी महंगी ना होती, डॉलर 100 रुपए का होता, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। पहली बार शेर नजर आ गया, पीपल्स पार्टी शिकार के लिए तैयार है, मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूं, चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे, बिलावल भुट्टो की ललकार, नौशेरो फिरोज और मेहड़ में जलसों से खिताब। और साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, 161 और 164 के बयान हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए, आजम खान का बयान बताया बनीगाला मीटिंग में, सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया, कॉपी वजीर आजम ने रख ली जो बाद में नहीं मिली। पाकिस्तान का ईरान की जारियत का भरपूर जवाब, दहशतगर्दों पर कारीवार, ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार में कालादम बीएलए और बीएलएफ के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक फौज के मुताबिक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम यकीनी बनाएंगे। ईरान की जारियत और पाकिस्तान का भरपूर जवाब, सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब, सियासी और अस्करी क्यादत की बैठक में अहम फैसले होंगे। पांच जजेस ना हटाए तो आज कोई बेरोजगार ना होता, बिजली गैस और रोटी महंगी ना होती, डॉलर 100 रुपए का होता, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता, नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब। पहली बार शेर नजर आ गया, पीपल्स पार्टी शिकार के लिए तैयार है, मुकाबले के लिए फिर पंजाब जा रहा हूं, चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने देंगे, बिलावल भुट्टो की ललकार, नौशेरो फिरोज और मेहड़ में जलसों से खिताब। और साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, 161 और 164 के बयान हल्फ पर रिकॉर्ड नहीं हुए, आजम खान का बयान बताया बनीगाला मीटिंग में, सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़कर सुनाया, कॉपी वजीर आजम ने रख ली जो बाद में नहीं मिली।